हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और यहाँ पे आज ना किचन की सफाई करी थी। पूरे जो इतने डब्बे हैं सारे धुल दिया था और अब मैं लगा दी हूँ वापस से उसी जगह के। और ये सब काम करने में मुझे रात को बज चुके थे 12:30। और उसके बाद सुबह उठे तो बिल्कुल सूखा था किचन। तो ये कुछ सामान आए थे किराने के, कुछ का पूरे महीने का सामान। आप लोगों ने देखा है कि मेरा पूरे महीने का सामान एक ही बार आ जाता है, तो अब मैं इसे डब्बे में भर दूंगी। तो दो दो पैकेट रहता है ना, लेकिन ये है कि एक डब्बे में भर देती हूँ, दूसरा वाला पैकेट एक मैंने रखा है बड़ा सा डब्बा, उसमें रख देती हूँ सारे चीज़ों। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है वैसे मैं उसे निकालने का इस्तेमाल करती हूँ। किचन में एक सीजर ज़रूर होना चाहिए ताकि हमें कुछ भी काटना हो ना तो हमें इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। जब भी कुछ पैकिंग खोलना होगा तो सुखी और सुरक्षित होंगे, अब खूब खुश और मस्त होंगे, है कि नहीं? और हम भी ठीक है। और आज ना आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी से बहुत जरूरत के हिसाब की चीज शेयर करने वाली, जैसे कोई चीज होता है ना कि हाँ भाई ये मुझे जरूरत है, और जो मैं शेयर करने वाली हूँ उसकी मुझे बहुत जरूरत है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसकी मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हमको ये कर लेना चाहिए। सो मैंने भी कर लिया, गर्मी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी पूरी कि चलो अच्छा हो गया। कल कोई ब्लॉग भी नहीं हुआ था मेरा, तैयारी नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं यही सब लगी थी इसी सब चीजों में, और घर के काम भी करने होते हैं तो हो जाता है थोड़ा सा, कल नहीं हो पाया था। तो चलिए समय नहीं वेस्ट करेंगे, मेरे पास 2-3 गत्ते पड़े हैं, उसका मैं कुछ बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा दूसरे वाले टेबल पे बैठती हूँ इस पे। तो और यहाँ पे ये मेरे पास ये बॉक्स पड़ा था, तो मैंने इसको क्या किया है ना, सारी चीज़ों को मैंने लगा दिया है यहाँ पे, जैसे टेप वगैरह लगा के इसे थोड़ा सा मजबूती दे दिया। अब इसमें लगा देंगे हम अच्छे से फेविकोल। फेविकोल की सहायता से मैं इसे चिपका रही हूँ, और आप चाहो तो ग्लू गन के भी हेल्प ले सकते हो। इसमें पेपर भी, इसमें मैं लगाऊंगी कपड़े, तो कपड़े इस तरह से मैं पहले अंदर लगा दूंगी। सब में मैंने फेविकोल लगा दिया, छोटा डब्बा है तो एक साथ मैंने लगा दिया है, और एक इसमें क्या करेंगे इस तरह से चिपकाते हुए चल जाएंगे। तो देखिए अंदर हमने इसे अच्छे से लगा दिया है कपड़े को। कोई भी आप फैब्रिक लीजिए, आप कॉटन लीजिए, कॉटन से बहुत आराम से हो जाता है। और ये ऊपर साइड में मैं लगाऊंगी थोड़ा सा, मेरे पास ना साड़ी आया था तो उसमें फॉर्म निकला था, ये फॉर्म मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। उसके बाद मैंने इस पर टेप लगा दिया है, पहले मैंने इसको गोंद से चिपकाया, थोड़ा सा ना फॉर्म चिपकने में दिक्कत होता है, अच्छे से नहीं चिपकता है, तो हम इसमें लगा दिए टेप ऊपर से, तो इसमें मजबूती भी आ जाएगा और हमारा फॉर्म जो है अच्छे से चिपक गया। तो देखिए अंदर हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा दिया है, और अंदर भी हमने फॉर्म के साथ एक कपड़ा लगा दिया। तो अब देख सकते हो, अब बाहर भी हमने फेविकोल अच्छे से लगा दिया, और बाहर के साइड बराबर करते हुए कपड़े को चिपकाते हुए चले जाएंगे। तो ये कॉटन कपड़े बहुत बढ़िया से चिपकते हैं फ्रेंड्स। हम तो यही आपको बोलेंगे कि जब भी इस तरह से कुछ बनाइए वाइजर, तो इसमें क्या करिए ना आप कॉटन कपड़े का ही इस्तेमाल करिए। देखिए पूरा डब्बे हमारे बन चुके हैं, थोड़ा सा अभी जो हमने ग्लू गन जो भी लगाया तो ये थोड़ा गीला है तो दिख रहा है, और जैसे डार्क कपड़ा है तो ये वाइट वाइट होता है, तो ये बिल्कुल दिख रहा है, सूखेगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसको भी हमने अच्छे से, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा चिपक गया है सारी चीज़ें। ये डब्बा अमेजोन से मैंने कुछ मंगवाया था ना, तो उसी में निकला हुआ था, उतना मजबूती तो इसमें नहीं लगा, लेकिन चलिए कुछ तो काम आएगा ही। और ये मेरे पास एक लेस था फूलों वाला, तो मैं इसे लगा दूंगी, क्योंकि मुझे जब कोई हम चीज़ बनाते हैं ना तो मैरून के साथ वाइट बड़ा सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से मैंने लगा दिया, और ये हम चीज़ें रख दिए इसमें। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, बच्चों के टेबल पे रख सकते हो, अपने सिंगारदान के पास रख सकते हो, मतलब कैसे भी इसे इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हो। ऐसे बिखरा हुआ बिल्कुल ये, अब हम ले रहे हैं ये बड़ा सा हमारा है कार्डबोर्ड डब्बा है, कार्टून है, बड़ा है, ये बड़े बॉक्स से बनाने वाली हूँ, तो अच्छे से हमने इसे टेप वगैरह लगा के चिपका दिया है। और ये वाला जो हमने ये पेपर है ये हमने मंगवाया था अमेजोन से, तो इसमें हमें जैसे फेविकोल ग्लू ये कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वैसे ही गोंद होता है, तो इस तरह जैसे स्टिकर होता है ना, बस इसी तरह से इसे छुड़ाते जाइए, चिपकाते हुए चले जाइए, ये बहुत आराम से हो जाता है। और इसमें मैंने लाइट कलर ही मिला था, मुझे डार्क में ढूंढ रही थी ना, पर डार्क उस दिन नहीं मिल रहा था तो मैं यही ले ली थी, और मुझे ज़रूरत भी था इसकी। और इसका खास बात है कि ये जो जैसे कि
इसे अगर गंदा हो गया ना तो पानी से इसे साफ कर सकते हो कपड़े से, तो ये साफ हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन के बिल्कुल तैयार है। ऊपर वाला जो है उसको हमने थोड़ा सा लहरिया का पेपर मेरे पास था तो इसे चिपका दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सादा सा दिख रहा था ना, तो अब थोड़ा सा ये एक नया लुक आ गया है, अच्छा लग रहा है काफी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आप इसमें बच्चों के खिलौने कपड़े आपका जो मन करे वो इसमें रख सकते हो, इससे आपका घर बहुत सुंदर लगेगा। चीजें सेट रहते हैं ना तो हमारा घर बहुत प्यारा लगता है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी चीज है, जरूर इसे ट्राई कीजिए। एक मेरे पास पड़ा था ना, ये छोटा सा है, इसमें ये रसगुल्ले का डब्बा था और ये काफी मुझे मजबूत दिखा, तो मैंने कहा चलो अच्छा इसका भी मैं कुछ करूंगी। या तो आप बच्चों के टेबल पे रख दीजिए पेन में रखने के लिए, मतलब कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले इसको मैंने कट कर दिया, इसके अंदर मैंने फोल्ड कर दिया है ताकि ये एक और मजबूती से बने। और देखिए फोल्ड करने के बाद ये बिल्कुल ठोस हो गया इसमें, और हमने लगा दिया अच्छे से इसमें टेप। टेप लगा दिए ना तो अगर कोई चीज गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप इसमें दीवार पे भी इस तरह कांटी लगा के आप लगा सकते हो, काफी ये मजबूत हो गया है। टेप वगैरह लगने के बाद आप इसे कहीं भी इस्तेमाल करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके ऊपर ये बचा हुआ लहरिया टेप, सॉरी लहरिया वाला कागज है, तो इसे मैं चिपका देती हूँ। लहरिया कोई भी कपड़े हों या कुछ भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरह से पहले हमने अंदर चिपका दिया। अब एक छोटा सा इस तरह हमने ले लिया, इस कॉपी था उसमें से कट करके एक गत्ता निकाला है और इसको क्या करेंगे इस तरह से चिपका देंगे, और इस पे पेपर पेपर चिपकाने के बाद में इसके अंदर हम इसे लगा देंगे, मजबूती भी आ जाएगी और देखने में बड़ा प्यारा सा फिनिशिंग के साथ लगेगा। तो आप देख सकते हो इसे मैंने अंदर फिट कर दिया है और अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे बाहर के तरफ इसे लगा देंगे। छोटी छोटी चीजें होती है फ्रेंड्स, अगर हम बेस्ट चीजें से जो हमें फेंकना है उससे हम कुछ अच्छी चीज बना सकते हैं, तो जरूर ट्राई करिए और अच्छा भी लगता है, आपका काम भी हो जाता है, एक नई चीज आपके घर में हो जाती है तो जरूर। और हम जो मार्केट से लाते हैं ना चीजें, उसे मुझे इतनी खुशी नहीं होती है जो चीज हम अपने घर पे अपने हाथ से बना के इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे आसपास रहते हैं तो हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ता इसको जाता कट है। करके और इसके अंदर फोल्ड किया ना तो ये बिल्कुल डबल मजबूती आ गई इसमें, और बिल्कुल भी कुछ नहीं, मतलब ये बिल्कुल भी चीजें इस तरह छोटे छोटे होते हैं जो ऐसे जब ऐसे हम सिंगारदान पर रख देते हैं ना तो सारे चीजें बिखरे हुए नजर आते हैं, और कई चीज होते हैं अपने देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये जब सिंगारदान पे इस तरह से रखा है ना तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा इसका देखिए। और ये वाला जो लेस था मेरे पास ये, मतलब वही दोनों लेस मैं साथ में जब लाई थी तो तभी का ये है, तो मुझे मैंने सोचा चलो ये मैरून पे व्हाइट कलर बड़ा प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो अच्छा इसको लगा देते हैं, तो ये इसमें हमने इस्तेमाल कर दिया है। और इसको मैंने क्या किया है ना, चिपकाया नहीं है, जो स्टेपलर होता है ना मैंने स्टेपलर कर दिया है इसको जगह जगह पे, दूसरा नहीं दिया। और ये देखिए ये मैंने बनाया, ये मैं ये वाला पेपर मैं मंगवाई थी ना अमेजोन से, जो लाइट कलर है ये ब्रांड, और ये जो लहरिया है ये तो बिल्कुल मतलब यहीं से लिए थे, ये 10 रुपया पीस मुझे मिला था, और ये कुछ था बच्चे बच्चे किए थे ऑर्डर तो उन्हीं लोगों को पता है कितना मीठा, मेरी आदत बड़ी बुरी है मैं पूछती नहीं हूँ कि मतलब कितने का क्या है, तो ये मतलब ये वाला पेपर में बहुत अच्छा से चिपकाने में बड़ी आसानी होती है और काफी अच्छा लगता है, इसको चिपकाते चले जाओ बहुत बढ़िया लगता है। और इसको ये चीज और है, ये मतलब पानी अगर गंदा हो गया है तो कपड़े गीला करके और पानी साफ पोंछ दो ना तो बिल्कुल साफ हो जा रहा है, तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो मैं इसे कर रही हूँ बर्तन के लिए, मैं जो कांच के बर्तन है मेरे कुछ इस तरह से जो रेसिपी वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं मेरा ये बक्सा है आप लोगों ने ब्लॉग में, वो जल गया तो बेकार हो गया, ग्लूगन ज्यादा अच्छे से चिपकता है कपड़े उपड़े में, तो वहाँ पे आप ग्लूगन 3 इंच कपड़ा ले लीजिए और ग्लूगन से इस तरह से चिपका दीजिए दोनों पार्ट में एक साथ, इस तरह से थोड़ा ढीला करके चिपकाइएगा ताकि ये अच्छे से ये ओपन हो सके। तो देखिए इस तरह से जब ओपन होगा ना तो ये ज्यादा मतलब अलग नहीं करना पड़ेगा आपको, इस तरह से हो जाएगा। अब मेरे पास ग्लूगन होता तो मैं इसको जरूर करती, तो खाने इसलिए नहीं हो पाया है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो कैसा लगा है आप लोगों का, थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतने देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ लाइक जरूर करिएगा और इसका मुझे इंतजार रहेगा।